प्रस्तुत है निर्मल गुप्त की कविता भला आदमी। वह एक भला आदमी था, चुपचाप चला गया अपनी देह से बाहर बिना चप्पल पहने। हालांकि कुछ पल पहले ही उसने अपने से कहा था, यार बड़ी भूख लगी है। वह एक भला आदमी था जिसे कभी न ढंग से जीना आया और न कायदे से मरना। ऐसे चला गया जैसे कोई झप्पर से बाहर आए मौसम का मिजाज भांपने। वह एक भला आदमी था, जिंदा रहने की ललक कहें या मजबूरी, उसे लगातार पता लगता रहा कि जीने के लिए बार बार मरना होता है। फिर भी जीने लायक पुख्ता जगह शायद ही कभी मिल पाती है। वह एक भला आदमी था, उसके तकिए के नीचे से मिले हैं कुछ हस्तलिखित पन्ने जिनकी वारत कविता जैसी दिखती है। लोग सशंकित हो उठे हैं, वह जितना दिखता था उतना भला तो नहीं था। वह एक भला आदमी था, अपनी निजता संभाल नहीं पाया ठीक ठाक तरीके से। उसके बारे में उठ रहे हैं सवाल, वह यूं क्यों चला गया दबे पांव? इस तरह भी कोई जाता है भला? धन्यवाद।